जय हिंद, राम राम। मैं रोशन, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। काफ़ी दिन के बाद इस प्लाट का वीडियो बना रहा हूं, और बाहर से कुछ ऐसा है और खेत। अंदर चलते हैं और बंच देखते हैं। इन दिनों अभी भी टेम्परेचर कम नहीं है तापमान, और देख सकते हैं गर्मी के चलते ये सब किनारे के साइड के बंच कैसे आए थे। और अंदर चलते हैं। सबसे पहला बंच आया था खेत में, और जिसको कवर किया था इस तरीके से। खेत के अंदर में क्या कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला बंच जो आया था, ये देखिए, अभी ये लगभग लगभग तैयारी का कगार पर है। इसमें फलियां फट रही हैं, देख सकते हैं ऐसा सिस्टम बन रहा है उसमें। और चल रहे खेत के अंदर, देखते हैं। यहाँ से पहला पौधा आंधी में गिर गया था। आंधी में गिरने के बाद यहाँ पर दो देख सकते हैं, और उसके बाद से इसका पूरा ऐसा है। और चलते हैं सामने, पूरा खेत देखते हैं क्या है, कैसा है। और इस सामने भी ऐसा है, लगभग आप देख पाएंगे पूरे खेत में बंच जो हैं वो वन साइडेड है, जिसको कहा जाता है वन साइडेड। और आ जाए इस खेत में, ये देख सकते हैं पूतियों की कटिंग हो रही थी, और जिसमें इसको ले जा रहे हैं घर के लिए। एक बंच कट किया हूँ, और देख सकते हैं साइड में सभी बंचेस कैसे हैं। गर्मी का अटैक जो हुआ वो पश्चिम और दक्षिण साइड में ज़्यादा हुआ। और अगर हमारे खेत की बात करोगे तो देखोगे तो बीच का जो पोर्शन था, वीडियो को पूरा देखना, जो बीच का जो खेत पोर्शन है खेत का, उसमें आप देख पाओगे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बंच कहीं छोटा हो या फिर कुछ, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो पर जितनी गर्मी इस बार केले की फसल, केले पौध, केले करने वाले, खेती करने वाले फेस किए, शायद कभी भी किए होंगे। पूरा खेत हम लोग पहले देखते हैं, और अभी भी गर्मी कम नहीं है खेत में, देख सकते हैं। इन छोटे छोटे जो पूतियाँ निकली थी, इनकी कटिंग कर किया आज। पूतियों की कटिंग करने के बाद, उसके बाद से आप लोगों को काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो हमने कहा एक वीडियो बना दीजिए। अभी इस पर क्या होगा, एक फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूरी है, पर कर नहीं पा रहा हूँ समय के अभाव के चलते। फंगीसाइड में तिल्ट का स्प्रे, तिल्ट फंगीसाइड एक आता है मार्केट में, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तिल्ट, तिल्ट नाम का है, उसमें 10 ml प्रति टंकी। और इधर भी बंचेस, काफ़ी सारे बंचेस हैं, जैसा कि आप पूरा देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौधा हाइट बहुत हाइट पर है, काफ़ी हाइट पर, 12-14-15 फीट के करीब है। खेत की साफ़ सफाई पर आप जाओगे, कहोगे भैया आपका खेत साफ़ रहता है, तो मैनेजमेंट आप लोग देखे ही हैं कैसा है हमारा। इसके बीच में ट्रैक्टर चलता है, ग्राफ 7.5x4.5 है, और बंच कुछ इस तरीके से आए हैं। अगर हम बंच कवर नहीं लगाएं, लेकिन शाइनिंग में कभी किसी शाइनिंग में आप देख सकते हैं कोई कमी हो तो बताइएगा। और जो पौधा नील गाय खा गया था, काफ़ी बड़ा था, और उसके बंच में एक टैग किया था, उसमें 8 ही पंजे छोड़ा था, उसकी साइज कुछ ऐसा है। बाकी आप देख ही रहे हैं पूरा खेत। तो वीडियो बड़ी ना करते हुए अभी आप लोग के लिए इतना ही करिए। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश वालों, किसान अपने खेत में नीचे से छोटे छोटे बच्चे निकाल दें, ऐसा अभी एक बचा हुआ है, उसके बाद फंगीसाइड का स्प्रे कर दें। कीटनाशक लग रहे हो तो आप कीटनाशक लगा दीजिए स्प्रे, और बस यही करना है। बाकी अब इस जो बंच तैयार होंगे वो कटिंग में जाएंगे। रेट भी इस समय अच्छा चल रहा है इधर हमारे यहाँ। आप लोग अपने यहाँ पर है बताना कि रेट आपके यहाँ क्या चल रहा है। हमारे यहाँ तो रेट अभी लगभग 17-18 में अभी लेने के लिए तैयार हैं इस समय।
तो वीडियो को बड़ी ना करते हुए वीडियो को ही करता हूँ एंड। और घबराइए मत, मेहनत करिए, बाकी हमारा फील्ड तो ऐसा है, थोड़ा साफ सफाई रखते हैं हम फील्ड में, खुद वर्क करते हैं। जय हिंद। इसको खाने के लिए ले जा रहे हैं। जय हिंद।